आज मैं थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दूंगी हैज़ा के बारे में। हैज़ा एक मखसूस किस्म का मर्ज़ है, लेकिन आम तौर पे लोग जिसको भी उल्टियाँ और पखाने लग जाएं उसको हैज़ा कहते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर तलत नाहिद है। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रिटायर हुई हूँ और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन के तौर पे काम करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दूंगी हैज़ा के बारे में। हैज़ा एक मखसूस किस्म का मर्ज़ है, लेकिन आम तौर पे लोग जिसको भी उल्टियाँ और पखाने लग जाएं उसको हैज़ा कहते हैं। लेकिन हैज़ा वो नहीं होता, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है जिसकी बेशुमार वजूहात होती हैं। हैज़ा जो है वो एक ख़ास किस्म के जरासीम से होता है जिसको हम विब्रियो कॉलरा कहते हैं। विब्रियो कॉलरा जो है वो हमारे जब भी गंदी खुराक, खाना पीना, मुजरसेत खुराक या कोई भी ऐसी चीज़ लें जिसमें विब्रियो कॉलरा हो और ख़ासी मिकदार में हो हम खा लें, तो वो हमारे आंतों में जाकर एक ख़सूसी किस्म का एंजाइम एडिनल साइक्लेज पैदा करता है जो कि हमारी आंतों की झिल्ली के ऊपर एक्शन करता है। तो उससे ये होता है कि बेशुमार पानी आंतों में आ जाता है और डायरिया लग जाता है। ये एक ख़ास किस्म का इसहाल होता है, यानी पखाने इसमें इस तरह होते हैं, बड़े बड़े पखाने और वो ग्रे कलर के होते हैं। इसमें पखाने की खुशबू नहीं होती, बग़ैर दर्द के आम तौर पे होते हैं। और कई दफ़ा मरीज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि हम पेशाब कर रहे हैं कि पखाना कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वजह ये कि इसमें पानी का ज़िया इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई दफ़ा मरीज़ बेहोश हो जाता है और कई दफ़ा मरीज़ जो है उसके गुर्दों पे असर हो जाता है। लिहाजा जल्द से जल्द आपको जब भी पता लगे कि आपको बहुत बड़े बड़े पखाने आ रहे हैं, कभी बुखार होता है और हल्का होता है और कभी बहुत तेज़ होता है, लेकिन जो पखाना अगर बिल्कुल पानी की तरह, हम उसको अंग्रेज़ी में राइस वाटर स्टूल्स या पंजाबी में पिच की तरह का पखाना हो, पतला और बग़ैर कंट्रोल के निकलता जाता हो, उसमें ना खून होता है ना पस होती है, कुछ भी नहीं होता, और वो जो है आपको इतने ज़्यादा आते हैं कि आपकी टांगें कांपने लग पड़ती हैं, बेहोश से हो जाते हैं। इसको फौरी कंट्रोल करना लाजमी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसमें उल्टियाँ नहीं होती, आमतौर पर उल्टियाँ नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या जिसको हम ORS कहते हैं वो लें, ताकि आप में खून पानी की और नमकियात की कमी ना हो। जब पानी और नमकियात की कमी नहीं होती और साथ दवाइयाँ ले लें ठीक हो जाता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो भी डायरिया हो उसका इलाज जो है वो सिर्फ ड्रिप्स के ज़रिए यानी IV फ्लूड्स के ज़रिए होता है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। IV फ्लूड सिर्फ उन मरीज़ों को दिए जाते हैं जो खा पी ना सकें या मुंह के ज़रिए पानी ना ले सकें या रिटेन ना कर सकें या इतने कमज़ोर हो जाएं और या इनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि हमें उनको उस तरह देना चाहिए। आम हालात में अगर आप थोड़ी सी दवाइयाँ ले लें और ORS लेते जाएँ, स्कंजबीन नमकीन लेते जाएं, तो ये कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जिस्म में पानी की कमी और नमकियात की कमी करता है। और अगर बर वक्त इलाज इस तरह कर लिया जाए तो इंशाल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। अब फ़र्क ये है हैज़ा में और दूसरे किस्म के गैस्ट्रोएंटेराइटिस में। जो दूसरे किस्म के गैस्ट्रोएंटेराइटिस होते हैं उनमें ये होता है कि उल्टियाँ भी, कईयों में सिर्फ उल्टियाँ आ जाती हैं, कईयों में सिर्फ डायरिया हो जाता है, कईयों में उल्टियाँ और डायरिया दोनों हो जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या ये वायरस की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, या दवाइयों की वजह से है, या कुछ खसूसी अमराज जिसमें लोग कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, कीमो यानी कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, HIV के मरीज़ होते हैं, या बहुत ही ऐसे कमज़ोर मरीज़ होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इनमें आम तौर पे मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो हैं वो एक्शन करते हैं और वो बीमार कर देते हैं। इनमें जो पखाना है वो बिल्कुल पानी की तरह ज़रूरी नहीं है कि हो, जैसे मैंने हैज़ा में बताया है। इसमें पखाने का कलर जो है वो पखाने की तरह का होगा, बदबू होगी और इस पतला हो सकता है या सेमी फॉर्म्ड हो सकता है।
इसमें आमतौर पे पेट में बहुत शदीद दर्द भी होती है और बुखार भी होता है। और इसका ये है कि हमें ये भी गलत चीज़ों के इस्तेमाल से हो सके, गलत चीज़ों का मतलब ये है कि गंदी चीज़ें, गंदा पानी, गंदा खाना या गंदे हाथों से गंदे बर्तनों में खाया हुआ जो भी कुछ हो, उससे ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें ये भी है कि अगर तो तेज़ बुखार हो और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हों, तो फिर हम मरीज़ को प्रेफर करते हैं कि उसको उसका जो पानी है उसको हम ड्रिप के ज़रिए दे दें। लेकिन अगर सिर्फ पखाने आ रहे हों और उल्टियाँ ना आ रही हों, तो उसमें भी मुंह के ज़रिए अद्वियात और ORS काफ़ी होता है। सिर्फ उन चीज़ों में हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो जाए और मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर ना आ रहा हो, या मरीज़ को कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों जैसे बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों में ये होता है, हमें थोड़ी सी बूढ़े और बच्चों में हमें थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो जाती है कि बूढ़ों को अगर बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से ज़ाया हो जाए तो उनका खून गाढ़ा हो जाता है, तो और चीज़ें जो होने का ख़तरा होता है, जैसे कोई क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो क्लॉट्स दिल में भी हो सकते हैं, पेट में भी हो सकते हैं, दिमाग में भी हो सकते हैं, इसलिए हम बूढ़ों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। छोटे बच्चे, उसमें कोई ख़ास किस्म के जो जरासीम होते हैं वो कई दफ़ा हिमोलिसिस कर देते हैं। हिमोलिसिस का मतलब होता है कि आपके जो रेड सेल्स हैं वो फट गए हैं, जब वो रेड सेल्स फट जाते हैं तो वो जिस्म में यूरेमिया हो जाता है, इससे एक ख़तरनाक किस्म का सिंड्रोम हो जाता है जिसे हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहते हैं, उसके ऊपर गुर्दों का असर हो जाता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो कई दफ़ा गुर्दे फेल होने का डर और कई दफ़ा जो है गुर्दों के ऊपर असर हो जाता है। इसी तरह जो बहुत उम्र रसीदा मरीज़ होते हैं या जो कोई डायबिटिक्स होते हैं या कोई जो बहुत ज़्यादा बीमार मरीज़ होते हैं, उनका भी अभी अगर बर वक्त उनका पानी जिस्म में पूरा ना किया जाए तो उनके ऊपर गुर्दों के ऊपर असर होने का डर होता है। और जब तक गुर्दों के को महफूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरिया की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही जो है रीनल फेलियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या जिस किसी भी वजह से उनको बीमारियाँ जल्दी हमलावर हो जाती हैं, तो उनको वैक्सीन्स दी जा सकती हैं, लेकिन इन वैक्सीन्स का जो असर है बहुत शॉर्ट टर्म होता है। जैसे विब्रियो कॉलरा की वैक्सीन भी है, हम सोलमोनेला की वैक्सीन भी दे देते हैं, लेकिन इनका बहुत शॉर्ट टर्म असर होता है, सिर्फ एक सीज़न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा असर रहता है, लंबा असर नहीं होता बाकी वैक्सीन्स की तरह। और दूसरा जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो एहतियात वो यही है कि आप जब भी खाएँ साफ़ सुथरे हाथों से खाएँ, साफ़ सुथरे बर्तनों में खाएँ, साफ़ सुथरा खाना खाएँ। बहुत कोशिश करें कि आप बाज़ार के खाने इस मौसम में जो है उसको अवॉइड करें। अगर आपने मुझसे किसी किस्म की कंसल्टेशन लेनी है तो आप mahram.pk से ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं।